ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी भाई यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त खबरी भाई एके अर्जुन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कल यानी कि बुधवार को। और ये मुकाबला होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो गाइस हम बात करेंगे इस मुकाबले में आपको टीम इंडिया में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा अहमदाबाद के जो ये जो स्टेडियम है इसकी पिच रिपोर्ट। तो गाइज अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूंगा। तो अगर आपने ये सब कुछ कर दिया तो कार्रवाई गाइज अब शुरू करते हैं हम पे। तो गाइज बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली जो T20 सीरीज है वो हाल फिलहाल में लेवल पे है, यानी कि एक मुकाबला जीता है न्यूजीलैंड ने और दूसरा मुकाबला लगभग बस किसी तरीके गिरते पड़ते संभलते जीत लिया था टीम इंडिया ने लास्ट ओवर में। तो गाइज अब रह चुका है आखिरी मुकाबला जो कि खेला जाएगा कल यानी कि बुधवार को। दिन है 1 फरवरी, स्टेडियम है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो गाइज यहां पे ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो गाइज अब बात आ जाती है कि क्या क्या आपको इस मुकाबले में मतलब कि टीम इंडिया में बदलाव देखने को मिल सकते हैं और साथ में पिच रिपोर्ट। तो गाइज पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो गाइज ये मुकाबला जो होगा ये खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और गाइज यहां पे आज तक इस ग्राउंड के ऊपर 6 T20 मुकाबले पहले खेले जा चुके हैं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस जो 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले पहले खेले गए हैं इस ग्राउंड पे, वहां पे जो रिकॉर्ड है बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, बैटिंग दूसरी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। तो गाइस रिकॉर्ड जो है वो एकदम नेक टू नेक है। इसके अलावा गाइस बात की जाए बैटिंग एवरेज जो है मतलब की जो फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो इस ग्राउंड के ऊपर है लगभग 174 रन। और गाइज मैं आपको साथ में एक बात और बता दूं कि टीम इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड के ऊपर है वो है 224 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, जो कि इंडिया ने स्कोर किया था 20 मार्च 2021 को होने वाले जो कि 5वां T20 मुकाबला खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान वहां पे, और वहां पे इंडिया ने इंग्लैंड को 224 रन मारे थे 2 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में इंग्लैंड की जो टीम थी वो केवल और केवल 188 रन बना सकेगी। तो गाइज इससे हमें इतना तो पता चलता है कि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहां पे आपको रनों की बारिश देखने को मिलेगी। मगर गाइज साथ ही साथ में एक और चीज सामने आती है, वो ये है कि टॉस जो है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा इस मैच में। बट गाइज फिर भी बात वहीं पर आ जाती है कि क्या करना चाहिए जो टीम टॉस जीतेगी। तो गाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो जो टीम टॉस जीतेगी उसे चेस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो लाइट्स के अंडर विद ड्यू जो है ड्यू फैक्टर पे जब काम करेगा तो वहां पर शायद से खेलना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले दो मुकाबलों में देखा गया था कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसके लिए ज्यादा फायदा रहा था राधा दर के जिस टीम ने दूसरी बैटिंग की। पिछले मुकाबले में भी इंडिया ने चेस किया था और बैटिंग भाई साहब बहुत मुश्किल हो गई थी, मतलब कि बहुत मुश्किल से वो 100 रन बजे थे टीम इंडिया से। तो इस मुकाबले में जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो टीम चेस करेगी वो फायदे में रहेगी, चेजिंग इज द मतलब कि जो है फायदे का सौदा है इस मुकाबले में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको टीम इंडिया में जो है क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो गाइस जो सबसे पहला जो बदलाव जो हमें लगता है कि कंफर्म्ड इस मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा वो है पृथ्वी शॉ का इंक्लूजन इन प्लेस ऑफ ओपनर शुभमन गिल। गाइस दो मुकाबलों में लगातार शुभमन गिल के T20s में दो फेलियर्स आ चुके हैं, आगे से ही काफी ज्यादा जो है मतलब कि इल्जामों की बौछार हो रही है हार्दिक पांड्या के ऊपर कि वो गुजरात टाइटंस का जो कोटा है वहां से जो है प्लेयर्स को खिलाते हैं और इसलिए शुभमन गिल या फिर शिवम मावी जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको तवज्जो दी जाती है टीम इंडिया में और जो है पृथ्वी शॉ के साथ ज्यादती होती है। तो गाइस कहीं ना कहीं लगता है कि जो सीरीज का आखिरी मुकाबला है उसमें फाइनली पृथ्वी शॉ जो है वो बेंच से उठ के फील्ड पे आएंगे और जो शुभमन गिल है वो अपनी बेंच पे जो है बेंच को सेकेंगे। अब क्योंकि गाइस अगर इस मुकाबले में मतलब कि पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाया गया तो फिर ज्यादती हो जाएगी, मतलब कि कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो जाएगी पृथ्वी शॉ के साथ, आगे बहुत ज्यादती हो रखी है बेचारे के साथ, उल्टे और सीधे इल्जाम लग रहे हैं बंदे के ऊपर। अब आप ये भी मुकाबला नहीं खिलाओगे तो भाई साहब फिर फायदा क्या था टीम में लेने का, नहीं करते सिलेक्ट
नहीं करते सिलेक्ट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्सनली पूछे तो पृथ्वी शॉ जो है इस मुकाबले में खेलेंगे और भाई साहब खेलना बनता भी है। दूसरा जो इंक्लूजन हो सकता है गाइस, ये लगभग लगभग आप लगा लो कि 60-40, 40% चांसेस हैं होने के, 60% चांसेस हैं ना होने के। पर जो 40% चांसेस हैं वो है कि आपको कल पेसर मुकेश कुमार का डेब्यू होता हुआ दिख सकता है। जी हाँ गाइस, जो एक सरप्राइज एडिशन था जो सिलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए डाला था टीम इंडिया में, वो थे मुकेश कुमार जो पेसर थे। तो वो आपको कल अर्शदीप सिंह की जगह जो है खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस शिवम मावी की जगह नहीं खेलेंगे मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि शिवम मावी जो है वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, आपको उनसे 20-25 रनों की बैटिंग भी मिल जाती है। क्योंकि अगर मुकेश कुमार को शिवम मावी की जगह खिला दिया तो बैटिंग के तो है मतलब कि एकदम से फिर हालत ही खराब हो जाएगी, मतलब कि टेल जो है काफी लंबी हो जाएगी। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी मुझे लगता टीम इंडिया। तो अगर अर्शदीप सिंह की जगह खेलेगा कोई तो वो मुझे लगता है मुकेश कुमार खेलेंगे। तो गाइस ये हो सकते हैं दो बदलाव बड़े जो टीम इंडिया में आपको कल के मुकाबले में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस राहुल त्रिपाठी के भी लगातार काफी सारे फेलियर्स आए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें टीम से अभी बाहर निकाल के तो किसी को और को, जैसे कि जितेश शर्मा वगैरह जो है बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको चांस दिया जाएगा। तो गाइस यही बदलाव जो है, दो बदलाव या फिर एक बदलाव जो है पृथ्वी शॉ का, वो तो दिख ही रहा है जो कल हो सकता है और होना भी चाहिए। तो गाइज ये था मेरा मतलब कि जो था कल के जो टीम में जो बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में जो था मेरी इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ में जो थी मतलब कि स्टेडियम की पिच रिपोर्ट अहमदाबाद के। तो गाइज आपको क्या लगता है क्या क्या प्लेइंग 11 टीम इंडिया कल मतलब कि उतारेगी इस तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, कल कौन सा प्लेयर सेंचुरी मारेगा और कौन सा प्लेयर जो है वो जीरो पे आउट होगा, इसके बारे में भी जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहूंगा आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो गाइस मिलता हूं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूं गाइस।